हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का मुद्दा है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर कौन होता है? क्या कंपनी के डायरेक्टर मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, क्या कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के ओनर होते हैं, या फिर कंपनी का ओनर कैसे बनाए जाते हैं? तो इस मुद्दे को समझते हैं एक शानदार छोटी सी वीडियो से। ये 10 लाख रुपए का चेक है सेठ जी, जिसे हमारे मजदूर भाइयों ने अपना पेट काट काट कर बचाया है, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप इसे स्वीकार करेंगे और उन्हें अपनी इस मिल का शेयर होल्डर्स बना लेंगे। देखो विजय, नौकरी करना और बात है और बिजनेस में हिस्सेदार बनना और बात है। बिजनेस में कभी नुकसान भी हो सकता है सेठ जी। हम तमाम मजदूर लोग आपके मिल में अपनी जान लगा देंगे, आपके मिल को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ये आपने क्या किया सेठ जी, मजदूरों को मिल में हिस्सेदार बना लिया? शट अप! 10,000 मजदूरों को शेयर होल्डर बनाकर मेरी कुर्सी पर बैठना चाहता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, अगली बात, ग्रैंड सल्यूट। यानी कि इस वीडियो से आप ये समझ चुके होंगे कि मूवी बनाने वाले ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है कंपनीज लॉ का, राइट? यानी उसने बिल्कुल सही समझा है किताबों को, जो हमारी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारा ज्ञान इन्हीं किताबों के अंदर है कि सर, जैसे ही 10 लाख रुपए मजदूरों ने दे दिए तो सभी ने ये बोला कि सेठ जी क्या कर रहे हो, मजदूरों को अपना हिस्सेदार बना लोगे क्या? यानी कि मजदूर शेयर होल्डर बन जाएंगे, शेयर खरीद लेंगे। जैसे ही शेयर खरीद लिए जाते हैं, आप कंपनी के अंदर ओनरशिप के दर्जे पे आ जाते हो, कंपनी के मालिक हो जाते हो। सर, शेयर खरीदते कंपनी के मालिक? कंपनी के मालिक से यहां मतलब है कि आपको वोटिंग राइट मिलेगा, आपके पास कंपनी की असेट नहीं होगी, राइट? कंपनी की बिल्डिंग है, कंपनी का कोई लैपटॉप है, तो आप कंपनी का लैपटॉप कंपनी की बिल्डिंग में अपना हक नहीं जमा लोगे। भैया, मैं कंपनी का मालिक हूं, मैंने कंपनी का शेयर होल्डर खरीद करके आए, तो आज के बाद ये कंपनी मेरी हुई और ये लैपटॉप मेरा हुआ, ये बिल्डिंग मेरी हुई, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं बात, आपकी हिस्सेदारी होगी कंपनी की वोटिंग में। यानी कंपनी अगर कोई मुद्दा उठाएगी, तो सारे के सारे मजदूर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे उस मुद्दे के ऊपर और हाँ या ना में अपनी सलाह देंगे। इसलिए अमरीश पुरी ने बहुत ही खतरनाक बात बोली कि मजदूरों को शेयर होल्डर बनाकर वो मेरी जगह लेना चाहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कैसे? सारे मजदूर शेयर होल्डर बन जाएंगे, फिर वो एक मीटिंग में आएंगे, फिर वोटिंग होगी कि भैया क्या जम्मू कश्मीर में जमीन लेकर फैक्ट्री खोल ली जाए। सारे के सारे लोग वोट करेंगे और जिन्होंने हाँ में ज्यादा जवाब दिया तो फैक्ट्री खुलेगी, अगर सभी मजदूरों ने ना में जवाब दे दिया, सभी शेयर होल्डर ने ना में जवाब दिया, तो फैक्ट्री नहीं खुलेगी, राइट? और वो सारे के सारे शेयर होल्डर मिलके एक बंदे को चुनते हैं जो कंपनी चलाता है, और वो है डायरेक्टर। यानी कि अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में मुकेश अंबानी ओनर नहीं है कंपनी के, वो कंपनी के डायरेक्टर है। यानी जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो मीटिंग में वोटिंग करते हैं कि कंपनी को चलाएगा कौन, कंपनी की टॉप मोस्ट लेवल पे कौन बैठेगा। इंडिया में वो सबसे बड़ी टॉप मोस्ट पोजीशन होती है डायरेक्टर, विदेशों में यूएस वगैरह में वो सबसे बड़ी टॉप मोस्ट पोजीशन होती है सीईओ। तो इंडिया में डायरेक्टर इज द टॉप मोस्ट पोजीशन, सीईओ से भी ऊपर आती है डायरेक्टरशिप की पोस्ट। तो वो शेयर होल्डर चुनते हैं डायरेक्टर को, हाँ भाई ये मुकेश अंबानी जी हमारे डायरेक्टर बनेंगे और यही चलाएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को। इसका मतलब वीडियो से बिल्कुल साफ क्लियर है कि आप जब भी शेयर होल्डर बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं, तो आप एक तरीके से कंपनी के मालिक ही हो जाते हैं। यानी अमरीश पुरी अगर अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए कोई भी डिसीजन लेंगे, तो जितने भी मजदूर शेयर होल्डर बन चुके हैं वो सारे के सारे उस डिसीजन में भागीदार बनेंगे और वो हाँ या ना में जवाब देंगे कि भैया ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स सर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कंपनी के मालिक उसके डायरेक्टर नहीं होते, कंपनी के मालिक उसके शेयर होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टर को चुनते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं,
कलेक्टिवली वो डिसीजन लेते हैं, 50% से ऊपर होते ही वो डिसीजन इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और कंपनी उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए बाध्य है। तो चलिए मैं मिलता हूं एक अगली शानदार जानदार बिजनेस न्यूज के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।